हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कोडन बायोलॉजी में। तो कैसा चल रहा है आपका 30 डे प्लान फॉर जनरल एप्टीट्यूड? आई होप कि आप इसे फॉलो कर रहे होंगे। 18 को हम लोगों ने शुरू किया था जनरल एप्टीट्यूड का पढ़ाई और आज 27 है, मतलब टेस्ट का दूसरा दिन है। आई होप कि आपने टाइम एंड वर्क कम्प्लीट कर लिया होगा, टाइम डिस्टेंस कम्प्लीट कर लिया होगा, सेल्फ टेस्ट ले लिया होगा, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज फॉर्मेशन परसेंटेज। तो पहले कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए अंतिम तक। देखिए, आपको अंतिम में एक मिलेगा मॉक टेस्ट का। ये CSIR जून 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ए बोर्ड हैज 8 रो एंड 8 कॉलम। ए मूव इज डिफाइंड एज 2 स्टेप अलोंग ए कॉलम फॉलोड बाय 1 स्टेप अलोंग ए रो और वाइस वर्सा। कहता है कि एक मूव को जो डिफाइन करते हैं, आइदर तो ये 2 स्टेप कॉलम में हो जाएगा और 1 स्टेप रो में, या 2 स्टेप रो में जाएगा और 1 स्टेप कॉलम में। मींस या तो 2 स्टेप कॉलम 1 स्टेप रो, 2 स्टेप रो 1 स्टेप कॉलम, ये होता है रो और ये होता है कॉलम। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव नीडेड टू गो फ्रॉम 1 कॉर्नर टू द डायगोनली अपोजिट। सबसे पहले बनाते हैं 8 रो और 8 कॉलम का एक बॉक्स। इसमें 8 रो और 8 कॉलम है, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। एक मूव, दो मूव, एक कॉलम हो गया और एक रो ले लिए, यहाँ आ गया। इसके बाद फिर 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, दो कॉलम एक रो, यहाँ आ गया। इसके बाद एक मूव, दो मूव, 3 मूव, दो रो एक कॉलम, यहाँ से ये 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, 2 कॉलम 1 रो, 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, 2 रो 1 कॉलम, ये इस कॉर्नर पर पहुंच गया। यहां से आप दूसरे रास्ते से भी आ सकते हैं, 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, 2 रो 1 कॉलम एंड 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, 2 कॉलम 1 रो। कितना स्टेप लिया? अगर इस स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4 एंड 5 मूव, 5 मूव में 1 कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पहुंच गया। अगर हम लोग इस रास्ते से आए, अगर हम लोग इस रास्ते से भी आएंगे तब भी कितना मूव होगा? 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, 4 मूव एंड 5 मूव। टोटल नंबर ऑफ मूव कितना हो गया? 5, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई एम सॉरी कि पिछले 2 वीक से मैं काफ़ी इरेगुलर रहा हूँ, किसी ज़रूरी काम से मैं बाहर चला गया था, मैं जर्नी में था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। अब से वीडियो रेगुलर आएंगी। आपके नेक्स्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक मैं ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंस वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोडन बायोलॉजी का क्या रोल है आपके CSIR प्रिपरेशन में। तो हमने आपको स्टडी प्लान दे दिया था कि शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे स्टडी प्लान बना के कैसे तैयारी किया जाए। और अब हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का, जिससे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज करने में मदद मिलेगी और डाउट क्लास आपके लिए हमेशा खुला हुआ है मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग वर्ड ए ए बी ए बी बी ए बी ए ए बी। तो इन दोनों में क्लू निकालते हैं, ये ए बी है और ये ए है। तो गौर से देखिए तो इसका हाफ पार्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, हाफ पार्ट नहीं दिया हुआ है। फोर्थ नंबर में है ए बी बी ए बी ए ए बी, इसका अगर देखें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फोर में जाते हैं 1 2 3 4, ये इसका हाफ पार्ट है। मतलब कि अगर ये पूरा है तो थर्ड नंबर में ये होगा जो कि इसका हाफ पार्ट है जो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे होगा ए बी बी ए, ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है ऑप्शन 3, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए 200 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड ब्रिज इन 20 सेकेंड्स। यह 100 मीटर का ट्रेन है और यहाँ पे एक ब्रिज है जो कि 200 मीटर है और ये पूरा क्रॉस कर जाता है सिर्फ 20 सेकेंड्स में, तो इसका स्पीड क्या होगा ये निकालना है। ये जो वाइड दिया हुआ है 20 मीटर का, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ट्रेन देखिए यहाँ पे इंटर करता है, तो ये ट्रेन इंटर करके यहाँ तो ब्रिज तक आएगा, लेकिन ये ट्रेन तब तक
इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकते जब तक कि पूरा ट्रेन बाहर ना आ जाए, मतलब ये 100 मीटर और तय करेगा तभी ये पूरा ब्रिज को क्रॉस कर पाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो 200 मीटर प्लस 100 मीटर ट्रेन का, और बाय हो जाएगा 20 सेकेंड्स। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो कितना हो गया 300 मीटर बाय 20 सेकेंड्स, मीन 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये मांग रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, इसको अगर किलोमीटर पर आवर में हम लोग बदलेंगे तो 15 × 18/5, और ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। क्यों हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये 15 मीटर पर 1 सेकेंड है, तो अगर मीटर को किलोमीटर पर कन्वर्ट करेंगे तो 15 से हो जाएगा 1000, और अगर 1 सेकेंड को करेंगे सबसे पहले ये 60 से डिवाइड होगा, और फिर ये 60 से डिवाइड होगा तो ये हो गया मिनट और ये हो गया आवर। तो अगर इसको सजा कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 3600/1000, 2020 18/5, वही 18/5 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मिसिंग पैटर्न, इसमें मिसिंग पैटर्न क्या है। सबसे पहले इन तीनों में एक पैटर्न ढूंढते हैं, ये प्लस है, ये डिवाइड है, ये माइनस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। साइन का रोटेशन देखिए, ये यहाँ पर था, इसके बाद ये यहाँ पर आ गया इसमें, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट में यहाँ पर आएगा, यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, और नेक्स्ट टाइम में ये मुड़ के यहाँ आएगा, मतलब कि ये यहाँ पर साइन है, ये एकदम करेक्ट है। तो ये ऑप्शन ऑप्शन वन और ऑप्शन थ्री में है, ये दोनों है। रिजल्टेंट को गौर से देखेंगे तो ये 5 to 7, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यहाँ देखेंगे तो 6 3 18, ये रिजल्टेंट ये है, एक रिजल्टेंट ये है और एक रिजल्टेंट ये है 2। तो रिजल्टेंट का क्या मूवमेंट है, सबसे पहले यहाँ था फिर ये यहाँ आ गया थर्ड में, इसका मतलब कि सेकंड में यहाँ पर होना चाहिए, सेकंड में यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर होगा 14, इसके बाद फिर थर्ड में यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर फोर्थ में यहाँ आ गया, रिजल्टेंट यहाँ आ गया, इसका मतलब कि 14 नीचे में होगा और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा, वही करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ये सीट है और ये पार्टी है, मतलब पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी। ए पार्टी 56 लाया, ये परसेंटेज नहीं है, ध्यान दीजिए ये परसेंटेज नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स हैं। ये पार्टी 56 लाया, ये 35, ये 25, ये 20 और ये 35, इतना इतना सीट्स लाया, उसका एक पाई चार्ट बनाया गया था करेक्टली, कौन सा सही है। ये जब पाई चार्ट हम लोग बनाते हैं तो ये 100% होता है, पूरा पाई चार्ट मतलब 100%। तो परसेंटेज अगर यहाँ से निकालेंगे तो टोटल नंबर कितना हो गया, 50 35 20 और 35, अगर इसको काउंट करेंगे हम लोग तो 35 35 70 50 270, यानी कि 140 सीट्स हैं टोटल, 140 टोटल सीट है, मतलब कि 140 अगर टोटल सीट है तो 70 सीट्स, यानी कि 50%। तो अगर 50% ऐसे करते हैं और दो बराबर सीट्स 35 35 है तो ये चार्ट ऐसे बना, 35 सीट यहाँ 35 सीट यहाँ, एंड टोटल 70 सीट हुआ, जो कि 50% सीट है 140 सीट का। अब दो सीट्स और है 50 और 20, तो ऑब्वियस है कि ये ऐसे होगा, ये वाला 50 होगा और ये 20 होगा, ऐसा चार्ट किसमें है, चार्ट आपका दो नंबर में, करेक्ट ऑप्शन यही है। सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, टू डिजिट नंबर है एक्स एंड वाई, जिसका सम कितना है, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इफ द फ्रैक्शन फाउंड बाय टेकिंग 9 लेस देन द नंबर, यानी कि एक्स बाय 9 अगर इसमें लेस कर देंगे बाय 9 मोर देन द नंबर इज डिनोमिनेटर, और अगर एक्स वाई प्लस 9 कर देंगे तो ये होता है वैल्यू 3/4 का। तो एक्स वाई क्या नंबर, चलिए ऑप्शन से ट्राई करते हैं। जितने ऑप्शंस दिए हैं वो सभी जो है 9 है,
ये तो प्रूफ हो गया। अब इसमें आते हैं, अगर 36 लेते हैं तो 36 माइनस 9 बाय 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 27 बाय 45। क्या ये 3/4 होगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा है 63, 63 माइनस 9, 63 प्लस 9 कितना होगा? 54/72। अगर इसको 18 से भाग देंगे तो 3, 18 से भाग देंगे तो 4, ये 3/4 के बराबर है, मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 1000 किलोमीटर। ये एक्स है, ये वाई है, इसके बीच का डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। ए पर्सन फ्लाई फ्रॉम एक्स एट 8 AM, ये 8 AM को यहाँ से फ्लाई किया लोकल टाइम से, और वाई पे पहुँचा 10 AM पे, मतलब कि टोटल कितना टाइम लगाया? 2 आवर्स। अब ही फ्लाइज बैक आफ्टर 4 आवर, यानी कि 10 बजे यहाँ पहुँचा था, 4 घंटे के बाद, मतलब फिर से 2 बजे 2 PM को यहाँ से फ्लाई किया, और ये पहुँचा 4 PM को, यानी कि फिर से कितना टाइम लगाया? 2 आवर, मतलब कि जाने में भी 2 घंटे लगा, आने में भी 2 घंटे लगा। वॉट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरेशन इन द एयर? तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? जाने में 1000, आने में 1000, टाइम कितना होगा? 2 आवर प्लस 2 आवर, यानी कि 2000 बाय 4 500 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर परचेज ए प्रोडक्ट फॉर 100 RS, सेल इट मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ये शॉपकीपर है, इन्होंने अपने पास 100 रुपया में खरीदा था, इन्होंने सेल किया विद 10% ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इन्होंने बेचा 110 रुपये में। 100 का 10% 10 रुपीज। फिर द कस्टमर रीसेल्स इट टू द सेम शॉपकीपर इंक्यूरिंग ए लॉस ऑफ 10% इन दिस डील इन द शॉपकीपर मेक्स। अब 110 का 10% हो गया 11 रुपया। अब ये 11 रुपये के लॉस पर इसको बेचता है, मतलब 110 में खरीदा था और इन्होंने बेचा कितना में? -11 रुपये, यानी कि 99 रुपीज़ में। तो फिर इन्होंने 99 रुपीज़ में इसको खरीद लिया शॉपकीपर ने। इस पूरे डीलिंग में शॉपकीपर कितना मुनाफा हुआ? इन्होंने बेचा कितना में था? 110 रुपये में, और फिर उसी चीज़ को खरीदा कितना में? 99 रुपये में। इसका मतलब है कि इसे 11 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। ऑप्शन टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब नीचे जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। स्टेटमेंट बी, द प्रिसीडिंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट बी कहता है कि जो पहले स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है। तो करेक्ट इन्फरेंस क्या होगा? पहला है, स्टेटमेंट ए एंड बी आर ऑलवेज ट्रू, ये नहीं हो सकता। अगर ये सही है और ये कहता है कि पहला वाला गलत है, हमेशा सही नहीं हो सकता। स्टेटमेंट ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्टेटमेंट बिटवीन ए एंड बी। सिर्फ एक स्टेटमेंट होने से ये सही नहीं होगा। स्टेटमेंट ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ एटलीस्ट टू स्टेटमेंट बिटवीन ए एंड बी, अगर दो स्टेटमेंट इस दोनों के बीच में है तो ये सही हो सकता है। स्टेटमेंट ए एंड बी कैन नेवर बी ट्रू इंडिपेंडेंटली, ये सही हो सकता है इंडिपेंडेंटली, अगर कोई रिलेशन ना हो तो। करेक्ट इन्फरेंस जो होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द एबव फिगर, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है। पिछले एक वीडियो हमने बनाया जिसमें कि नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने के लिए हमने बताया था, मैं फिर से बताता हूँ कि एक्यूरेट हम लोग देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक बीच में है, मतलब 5 स्क्वायर तो सामने दिख रहा है, और छोटे छोटे स्क्वायर जो हैं वो 4, 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 20 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। अब और कितने स्क्वायर्स हैं? अब देखिए, एक ये स्क्वायर है जो हम लोगों ने काउंट नहीं किया है, ये पोर्शन हम लोगों ने ये काउंट किया था, ये काउंट नहीं किया है। एक स्क्वायर यहाँ और एक स्क्वायर यहाँ, जिस तरह से यहाँ एक और यहाँ एक है उसी तरह एक स्क्वायर यहाँ और एक स्क्वायर यहाँ भी होगा,
एक स्क्वायर यहाँ, यानी कि चार स्क्वायर ऐसे हैं जो हम लोगों ने काउंट नहीं किए हैं बड़े, टोटल हो गया 29 स्क्वायर्स। ऑप्शन टू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ इट्स व्हील। आप अगर बेसिक फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि अपर पोर्शन में व्हील का ये 2v हो जाता है, जितना वेलोसिटी एक्चुअल में होता है उसका दोगुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर अब फॉरवर्ड या बैकवर्ड, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और ऊपर वाले व्हील पोर्शन में ये आगे की तरफ होता है, तो ये फॉरवर्ड हो गया, यानी कि टू ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है, इसको अगर गौर से देखेंगे हम लोग, अगर डी का वैल्यू हम लोग लेते हैं 500, आई का वैल्यू 1, अगर रोमन काउंटिंग का वैल्यू लेते हैं, एम का वैल्यू 1000 लेते हैं, तो ये हो जाता टोटल 1500 01। इसी तरह से अगर देखेंगे सी आई वी आई एल में कितना है 157, तो ये हो गया 100, ये 1, ये 5, ये 1 और ये 50, सबको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 157। मतलब आप इसको अगर चेक करना चाहेंगे तो ये पूरा रोमन वैल्यू पर है, सी का वैल्यू यहाँ 100 है, आई का वैल्यू 1 है, भी का वैल्यू 5 है, एल का वैल्यू 50 है। अब जो आपको दिया है भी प्लस आई प्लस एम, तो हम लोग निकालेंगे भी का वैल्यू रखेंगे 5, आई का वैल्यू 1 और एम का वैल्यू 1000, तो ये हो जाएगा कितना 1006, ये ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टर्टल स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पॉन्ड। ये मान लीजिए सर्कुलर पॉन्ड है, कोई एक पॉइंट लेते हैं ए जहाँ से ये स्टार्ट किया, आफ्टर स्विमिंग फॉर 4 मीटर इन ए स्ट्रेट लाइन इट हिट्स द पॉइंट बी। अब स्ट्रेट कहीं पे गया और ये कहाँ हिट किया पॉइंट बी को। अब कहता है फ्रॉम देयर इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फॉर 3 मीटर्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड अराइव एट पॉइंट डी डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट ए। यानी कि अगर ये अब यहाँ से डायमीटर खींचेंगे तो ये यहाँ पे डी पॉइंट है और यहाँ से स्ट्रेट ये आया तो यहाँ पर पहुँचा, ये 4 मीटर था, ये 3 मीटर है, तो ये कितना होगा इसका डायमीटर पूछ रहा है। तो सिंपल सा आप समझिए कि कोई इंटरफेरेंस में जब ऐसा ट्रायंगल बनता है तो ये 90 डिग्री का होता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 है, ये 3 है, इसको निकालना है, तो ये हो जाएगा 4² + 3² बराबर, इसको अगर x मान लें तो ये हो जाएगा x², तो 16 + 9 = x², यानी कि 25 बराबर x², तो x बराबर हो जाएगा 5, ऑप्शन 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल आर ड्रॉन इनसाइड ए बिग रेक्टेंगल द पेरीमीटर 165 एज शोन इन द फिगर। इस फिगर को अच्छे से समझ, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ इसकी जो लंबाई है वो x मीटर है, तो ऑब्वियसली ये अगर सेम रेक्टेंगल है तो ये तीनों बराबर होंगे, मतलब कि ये x/3 x/3 और x/3 पार्ट होगा। और अगर इसका इसकी बात करें हाइट की तो ये 2 भागों में बटा है, तो ये हो गया x/2 और x/2। अब एक नॉर्मल रेक्टेंगल को बाहर निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे, अगर इस रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ये हो गया इसकी लंबाई x/2 और ये जो चौड़ाई है ये बराबर होगा इसका, क्योंकि सारे रेक्टेंगल एक जैसे हैं, तो ये कितना है इसका, ये है x/3, तो ये होगा x/3 और ये होगी x/2। तो लंबाई पता है चौड़ाई पता है, तो हम निकालेंगे क्या, पेरीमीटर बराबर 2 × x/3 + x/2, तो ये हो जाएगा 2 × 5x/6, ये हो जाएगा 10x/6, ये हो गया इसका एक्चुअल में पेरीमीटर। अब x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे रेक्टेंगल को निकालते हैं, ये है हमारा x/3 और ये है हमारा x/2, क्योंकि ये बराबर होगा इसका और ये बराबर होगा इसका, तो हमें दिया है 165 इसका पेरीमीटर, तो बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर होता है 2 × x प्लस
एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय थ्री, ये है इसका लेंथ और ये है इसका विड्थ। तो इसको बनाइए, तो ये सबको अगर जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 165 बाय टू इज इक्वल टू, नीचे 6 हो जाएगा, ये 6 3 2 11x, 11x बाय 6 इज इक्वल टू हो गया 165 बाय 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा 165 बाय 2 इंटू ये 6 इस पर आएगा, 11th नीचे जाएगा, इंटू 6 बाय 11। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे आप, x का वैल्यू क्या निकलेगा, 3 15 तो 45। जब x का वैल्यू हो गया 45, तो x का वैल्यू अब रखिए हमारा था 10x बाय 6, तो 10x बाय 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 45 बाय 6, ये होगा 450 बाय 6 75। ऑप्शन टू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ए हिडन नंबर, सभी में एक हिडन नंबर है और आपको अरेंज करना है इसको किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग सबको देखते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें जानना पड़ेगा किस में क्या नंबर है। तो इसको पढ़िए, पेपर्स वन जीरोक्स, इसमें एस आई एक्स 6 है, इसको ध्यान से देखेंगे तो एफ आई वी 5 है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो एफ ओ यू आर 4 है, और इसमें एस सी वी एन 7 है, तो हो जाएगा 7 6 5 4। 7 किस में है, एच 6 है, ई e में 5 है, एफ में और जी में है 4। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, एच ई एफ जी, ये ऑप्शन 4 है, ये करेक्ट ऑप्शन है। 30 डे प्लान हम लोगों ने बनाया था जिसमें आज 27 है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं डे बाय डे। तो चलिए इसी पर एक टेस्ट हो जाए, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर एक लिंक है मॉक टेस्ट का, उसको क्लिक कीजिए, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, और उस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें भेजिए, खुद की तैयारी को एक बार टेस्ट कीजिए, आप उसमें कितना स्कोर कर पाते हैं, आपका कितनी तैयारी हुई है। और ये जो मॉक टेस्ट है इसका सॉल्यूशन एक वीडियो के द्वारा मैं रात में 11 बजे आज अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, और उसमें आंसर शीट भी होगा और वीडियो भी होगा। और इस बार के डाउट क्लास में मंडे को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा देखने के लिए, और आप डाउट क्लास में क्वेश्चंस भेज सकते हैं, उसका टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे, और एवरी मंडे को इसका सॉल्यूशन देते हैं। इस बार का डाउट का टॉपिक है इकोलॉजिकल नीड्स, क्या होता है फंडामेंटल नीड्स, क्या होता है रियलाइज्ड नीड्स, उस बारे में बात करेंगे हम लोग, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी। और जिन दोस्तों ने बायोथेरेपी अप्रोच किया था टेस्ट सीरीज के लिए, उस टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल यही है, आप इसको नोट्स कर लें, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बायोटेरा में संपर्क करें, नीचे मेल दिया हुआ है। अगर आप जुड़े हैं बायोलॉजी से, जुड़िए कोडोन बायोलॉजी से, और हम आपके साथ बायोलॉजी का डिस्कशन करते रहेंगे। ये तो कोई न जाने।